नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। कोई माँ से कह रहा है कि हे माँ, हमारी पुकार सुनो और महंगाई कम करो। हाथ जोड़कर सभी माँ से मन्नत मांग रहे हैं। वही हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ साथ मुस्लिम समाज का पाक महीना रमजान की शुरुआत भी हो रही है, तो ऐसे में वो भी यही दुआ मांग रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, ये महंगाई कम हो। और यही दुआ श्रीलंका के लोग भी मांग रहे हैं। श्रीलंका पर आर्थिक संकट ऐसा गहराया है कि यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ना कि एक देश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी और कितना बड़ा आर्थिक संकट होगा कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। कुछ ऐसे ही हालात भारत में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की है, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे और यही सवाल है, और इसी सवाल से आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आपकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं जो कहते हैं कि महंगाई को लेकर आप कुछ बोलिए और कुछ चलाइए और हमारी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाइए। तो अब सवाल था कि भारत के हालात क्या श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हालात का तो नहीं पता, लेकिन जनता जरूर परेशान हो गई है और त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि लगातार बीते कई महीनों से महंगाई की मार जो आम जनता झेल रही है। तो कभी सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी गैस सिलेंडर के, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, कभी महंगी सब्जियां हो रही हैं, गोभी मटर आलू टमाटर ऐसी तमाम हरी सब्जियां हैं जिन्हें खरीदते वक्त ऐसा लग रहा है मानो सोना खरीद रहे हैं। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, कल से रमजान भी शुरू होने वाले हैं। इस तरह देखते हो देश पर दिन पर दिन पेट्रोल के दामों या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज ही पेट्रोल के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हमारे से कुछ लोग बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि महंगाई को किस नज़रिए से वो देखते हैं। भाई साहब, महंगाई बढ़ रही है ये बिल्कुल सत्य है, और हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल भी महंगा हुआ है, डीजल भी महंगा हुआ है, उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, जैसे कि किसी समय मैंने देखा था कुछ दिन पहले टमाटर बहुत महंगा था और आम पब्लिक को इसको लेने में खरीदने में दिक्कतें आ रही थी। 100 रुपये किलो तक ये भी का था प्याज, 70 रुपये किलो था। सब्जी हमारी बहुत महंगी थी, जो हमारी दिनचर्या की रोज़ की चीज़ें थी, तो वो चीज़ें सस्ती हुई हैं। और उस हिसाब से पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ वो उतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है। हो सकता है ये और महंगा पड़े, अगर ये और महंगा होगा तो हमारे ऊपर ज़रूर उसका बर्डन भी पड़ेगा। और जहाँ तक ये मैं देख रहा हूँ कि ये युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, जहाँ से हमारा पेट्रोल और डीजल आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ इंटरनेशनल चीज़ें भी महंगी हैं। हम सरकार के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सरकार महंगा कर रही है। अगर आम पब्लिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है, रोज़ भाव बढ़ रहे हैं, तो आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें तो हैं भाई साहब, जो आपको आज मैं बता दूं, मिडिल क्लास वर्ग जो हमारा जिस कैटेगरी में हम आते हैं, तो हम लोगों को ज़रूर दिक्कतें हैं, क्योंकि इधर कोरोना के बाद से बिजनेस भी नहीं हुआ है हम लोगों का और इनकम भी कम रही है। हाँ, उम्मीद है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, शायद हम लोग बिजनेस अच्छे से कर लें। अगर बिजनेस की बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए, तो किस पर क्या माहौल रहा है नवरात्रि की शुरू होते हैं, कुछ बिजनेस में बढ़ोतरी हुई आपकी? भाई साहब, बहुत अच्छा रिस्पांस है, कोरोना ख़त्म हो चुका है और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ नवरात्रि के आने से और रमज़ान के आने से लोगों में एक उत्साह है। लोगों को लग रहा है हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे और हमारी इनकम बढ़ेगी। छोटा वर्ग भी हमारा खुश है, जो आज की डेट में देख रहा हूँ छोटे छोटे दुकानदारें दुकानें बहुत सी खुल गई हैं और वो लोग चाय वाले हों खुंचे वाले हों वो सब इनकम कर रहे हैं। मिडिल क्लास वर्ग को तो मैं एक समय कह सकता हूँ थोड़ा परेशान, क्योंकि हम लोग एक जगह स्थापित हैं, हम लोगों को नया बिजनेस करने में भी दिक्कत है, लेकिन जो लोग छोटे बिजनेस करते हैं वो लोग सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर 2 साल से कोरोना था, 2 साल के बाद कोरोना ख़त्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं व्यापारी हों या लोग कमाना चाह रहे हैं और लोग दिन पर दिन कमा रहे हैं, और ऐसे ही दिन पर दिन कोरोना से निजात मिलेगी और लोगों के व्यापार में भी वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की तो आप पूछ ही मत, क्योंकि यहाँ तो हद ही हो रखी है। दिवाली पर सरकार की तरफ से तोहफा दिया जाता है, लेकिन उसी तोहफे को होली पर वापस ले लिया जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तोहफे की बात कर रही हूँ। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है।
हम तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे जिसका जनता से सरोकार होता है, और ऐसा ही एक मुद्दा आज लेकर हम हाजिर हुए हैं जनता के बीच। जी हाँ, ये ऐसा मुद्दा है जो आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। मतलब वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, और वही जो है मुद्दा लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। इस वक्त हम यूपी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल भरवाने के लिए कतार में लगी हुई है, क्योंकि मुद्दा ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे, इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही जो है आपको बता दें कि जो घरेलू गैस है, आपके घर खाना तो बनता ही होगा, तो जिस पर खाना बनता है वो गैस में भी इजाफा हुआ है, गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है। इसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता के से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव तक ही सीमित था ये महंगाई पर रोक, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में सीधा सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद सरकार का महंगाई रिटर्न गिफ्ट है जनता को। सीधे चलिए जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं, जो लोग कतार में खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे, मतलब महंगाई आसमान छू रही है। मैम, महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। हाँ। बंदे का एक जो सैलरी पैकेज होता है वो तो इतना नहीं है, बस महंगाई बढ़ रही है, सैलरी तो कहीं बढ़ ही नहीं रही है मैम। अच्छा, चुनाव के वक्त महंगाई रुकी हुई थी, तो क्या लगता है रिटर्न गिफ्ट है क्या महंगाई सरकार की तरफ? हो सकता है मैम, पब्लिक का भी यही रिप्लाई है। हाँ जी मैम। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैमरा दर्द, क्या नाम है सर? मेरा नाम नरदेव सिंह है। यूपी के रहने वाले सर? हाँ जी। यूपी में चुनाव तक तो महंगाई सीमित थी, चुनाव तक तो महंगाई रुकी हुई थी, लेकिन अब महंगाई में इजाफा हो रहा है, घरेलू गैस बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे? जी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो महंगाई को रोक सकता है, क्योंकि महंगाई समय के साथ साथ बढ़ती है, समय बदल रहा है तो महंगाई तो होनी होनी है। महंगाई को कोई भी सरकार आए, सरकार का कोई दोष नहीं, महंगाई समय के साथ बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, प्रोडक्ट पर काम पैसा बढ़ता है, किसानों के जहाँ से ये चीज़ें नेचुरल चीज़ों पर पैसा बढ़ता है, किसानों का पैसा बढ़ेगा, किसान पैदा करेगा, आगे मार्केट से आते आते वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको सही लग रहा है कि ये महंगाई? सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से सब चीज़ें बढ़ती हैं। कई लोग जो परेशान है, आम जो पब्लिक है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को दिक्कत होती है। जब से ये संसार बना है इसमें सब परेशान है, दुखिया सब संसार है, कोई आदमी सुखी नहीं है। यदि सुखी है तो कोई नहीं है, कोई कहे मैं सुखी हूँ तो वो वैसे उससे पूछ के देखो अंदर की दिल से भावना से कि तू वाकई में सुखी है, कभी नहीं कहेगा वो मैं सुखी हूँ। कोई बच्चों से दुखी है, कोई बच्चों से सुखी है, ठीक है। आपसे एक सवाल लेते हैं कि चुनाव तक सीमित था, चुनाव 137 दिन तक महंगाई पर रोक थी, अब अचानक से महंगाई बढ़ गई, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महंगाई पर? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई का कोई चक्कर नहीं है, इस चुनाव का कोई चक्कर नहीं है। हाँ। जो सरकार आएगी वो हिसाब से, एक साइड आप फ्री बांटे हो तो वो कहाँ से निकलेगा? राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव, गांधी को कहने दो, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कुछ भी, संसार चलाना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं, वो ताकत चला रही है संसार को, बाकी महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? ऋषिका। यूपी के रहने वाली? हाँ जी। गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आप ऑफिस भी जाती होंगी पेट्रोल भरवा रही, क्या कहेंगी, परेशानी हो रही है आम पब्लिक को? ऑब्वियसली हो रही है, बिकॉज ट्रैवल इज अ बेसिक नीड। या ऑब्वियसली होगी, बिकॉज बजट मैनेजमेंट सारी चीज़ें एक चीज़ होती है, आप मंथली अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अपने अपनी सैलरी वगैरह से निकालते हो, सो डेफिनेटली वो थोड़ी प्रॉब्लम। कहा जा रहा है इलेक्शन तक ये महंगाई नहीं थी, अब एग्जैक्टली इलेक्शन के बाद होना इज सरप्राइजिंग, सो डेफिनेटली इट्स अ मोड ऑफ एजेंडा। लगता है सरकार को कम करना चाहिए इतनी महंगाई? डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि एवरीवन हैज देयर ओन बजट फॉर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे बहुत चीज़ों के दाम, ऊबर कैब्स वगैरह के भी बढ़ेंगे। सो जैसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनके पास नहीं होते हैं कि पर्सनल व्हीकल्स वगैरह, सो डेफिनेटली। आइए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? पूजा। आप जॉब करती हैं? जी नहीं, पीस वर्किंग का काम है। पीस वर्किंग का काम? पीस वर्किंग काम है। पेट्रोल भरवाने आइए, पेट्रोल में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे लेकर? आम पब्लिक कितना परेशान है? परेशान क्या, देश में कुछ सुधार आएगा परेशानी तो बढ़ेगी, वैसे खास परेशानी नहीं है। शराब के लिए 200 रुपए निकलते, 10 रुपए पेट्रोल दे देंगे क्या हो जाएगा? शराब के लिए तो पैसे क्या बोल रही हैं? शराब ही शराब के लिए पैसे निकाल सकता है, पेट्रोल के लिए चले जाएंगे क्या? शराब के लिए पैसे निकाल सकता है, पेट्रोल के लिए नहीं निकाल सकता है? हाँ, कोई महंगाई नहीं है, सही है, सबसे बढ़िया, महंगाई बिल्कुल भी नहीं, सब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, सही चल रहा है, एकदम बढ़िया,
बिल्कुल और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कुछ। सर आप स्माइल, सर आप मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पेट्रोल भरवाने आए, कितना लग रहा है कि परेशानी हो रही है आम जनता को? बिल्कुल नहीं हो रही। महंगाई है? नहीं नहीं है, यही नहीं, नहीं 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 है महंगाई। ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है सदन के बाहर की महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे? विपक्ष का तो काम है करना है, सब विपक्ष का काम है कि दूसरी पार्टी को गिराना। महंगाई नहीं है? नहीं है महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं साहब? सब बढ़ गया है। घरेलू गैस के भी दाम बढ़ गए? यस, बताओ मुझे। कहा जा, चुनाव तक ही था महंगाई पर रोक, अब नहीं है? नहीं, इजाफा हो रहा है पेट्रोल डीजल के दाम में, क्या कहेंगे? पेट्रोल भरवाने आया? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया। परेशान नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं है, ठीक कमा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक मैडम ने सवाल खड़ा किया कि शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, तो आपको लगता है कि मतलब महंगाई है नहीं इस देश? महंगाई तो नहीं है कोई, सब ठीक है, सेम है, कोई महंगाई नहीं। आज चुनाव के बाद ही ये होना था, चुनाव के बाद महंगाई बढ़नी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब महंगाई नहीं है, महंगाई ना है एकदम, कोई महंगाई नहीं। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक साहब मेरे साथ है जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, पेट्रोल भरवाने आए कि डीजल? पेट्रोल भी भरवाना आया जी, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा, कौन सा भरवाओ, पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, काम धंधे है नहीं, भुखमरी फैल रही है, अब चोरी करनी पड़ेगी, डकैत करनी पड़ेगी। और चोरी डकैत करनी पड़ेगी, क्या बात कर रहे हैं? भर रहा मेहनत करने से कहा कर रहा था, पैसा ही ना मिलते, इतनी महंगाई बढ़ गई। और जी, 5 महीने हो काम करते, 1 रुपया ना दिया कंपनी ने। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले जो खड़े, हाँ जी, बीजेपी वोट दे रहे। योगी सरकार भी आ गई? योगी कुछ करता रहे ना, सरकार कहा करेगी, भुखमरी इतनी फैली हो रही, बेरोजगारी हो रही है बहुत ज्यादा। वोट तो आप ही लोग ने दिया था उनको, वोट तो आप ही लोग ने दिया, क्या पता ये सरकार की वोट तो भलाई के दिया, जब भलाई ना हो रही तो क्या करे? अरे साहब हम पूछ रहे, वोट तो आप ही ने दिया था, वोट तो दियो हमने, नहीं तो दियो, अच्छे काम करेगी सरकार, अच्छा काम नहीं करे, अब फायदा ही ना हो रहा कुछ, अच्छा काम करी तभी तो वोट दिया था आपने, पहले क्यों अब तो ना कर रही, अब नहीं कर रही, अब लेट हो रहे। आपके बाद तुरंत महंगाई बढ़ा दी? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, सीएनजी सस्ता करवा, पेट्रोल करवा, डीजल करवाओ, गैस करवाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता में एक कहते हैं ना घुला मिला सा जो है जवाब निकल कर सामने आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है, तमाम लोग भी यहाँ पेट्रोल भरवाने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सर क्या नाम है? हंत प्रकाश। हंत प्रकाश, यूपी के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है? हो जाएगा, सरकार तो करेगी, सर वो करेगी, जनता के भलाई के लिए सोच रही है सरकार भी, अच्छी आई है, सरकार अच्छी आई है जी। अच्छा, सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी, सवाल उठ रहे हैं कि महंगा चुनाव के बाद ही ये होना था महंगाई बढ़ने की? मेरे हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है? और ये जो घरेलू गैस पे भी इजाफा कर दिया गया है, दाम भी बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, जो बढ़ा दिए गए हैं उसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा, तो अभी तो फिलहाल जो कर रही है सरकार ठीक ही कर रही है, जनता की भलाई के लिए कर रही है। जैसे भाई साहब क्या नाम है? मनीष जी। मनीष, यूपी के रहने वाले हैं? हाँ जी, यूपी के हैं। पेट्रोल भरवाने आए हैं, दाम बढ़ गया है, क्या कहेंगे? दाम बढ़ गए हैं, अब क्या कहे, योगी सरकार है, झेलना पड़ता है हर चीज, झेलना पड़ता है। हाँ जी, सरकार तो आप ही ने ले आई है, सरकार लेके आए तभी वो झेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी जी की सरकार बनी है, मतलब योगी जी शपथ भी लेने जा रहे हैं और शपथ से पहले ही महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, ये तो वही बात होगी कि अभी तो ढंग से आए भी नहीं और पहले ही अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया, जलवा दिखा दिया। और यही चीज़ पहले भी हुई थी कि पहले भी जब यूपी में चुनाव होने वाले थे उससे पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसके बाद जस्ट चुनाव होते नहीं उस मतलब जो पेट्रोल के दाम वो कम हो गए, वो सिर्फ चुनाव की वजह से ही हुए थे। अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे देखिएगा, अभी 105 पे भी जाएगा, 105 पे भी जाएगा, 108 पे जाएगा। मतलब जनता का वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं कि चुनाव पर महंगाई, जब चुनाव थे तो महंगाई पर रोक? बिल्कुल है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जनता ने वोट ही क्यों दिया, सरकार तो नहीं किया है ना, कितना भी बोल लीजिए सर, अब तो 5 साल झेलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल झेलना पड़ेगा मैम, क्या करें, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, जो जैसे अपना आप ये चीज़ रख लो अगर यूपी में कि अपना सेफ्टी बहुत अच्छी है फीमेल्स के लिए, सबसे अच्छा, और मतलब प्रशासन बहुत अच्छा है। अरे ये सब तो छोड़ ही दीजिए जनाब, भूख लगे और फटाफट बनने वाली कोई चीज याद आए तो उसका नाम है मैगी। और मेरे जैसे आपके जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो मैगी को बहुत पसंद करते हैं और जब भी भूख लगती है तो झट से मैगी की याद उन्हें आ जाती है, लेकिन अब ये मैगी भी रुला रही है। इस तक के दाम जो बढ़ा दिए गए हैं, अब जो 12 रुपए का पैकेट आता था वो 14 रुपए में मिल रहा है, अब भला आम जनता क्या करे,
मासूम जनता की क्या यहाँ पर गलती है? मैगी तो खाई है, अब भला हम जनता महंगाई की मार कहाँ तक झेली? तो चलिए ये भी जान लीजिए कि सड़कों पर चलने के लिए जो आप टोल टैक्स देते हैं, वही टोल टैक्स जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं मसलन, वो भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आप अपनी गाड़ी से जाएंगे और आप वहां पर टोल टैक्स आता है तो ये मत सोचिएगा कि आपको पहले जितने पैसे देने होंगे, पैसे बढ़ा कर देने होंगे, जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। तो नव वर्ष की शुरुआत हुई, नवरात्रों के साथ हुई है, पहला दिन है नवरात्र का, चैत्र के नवरात्र हैं, माँ से हर कोई यही मन्नत मांग रहा है कि महंगाई को किसी तरह भी कम कर दो, बस अब बहुत हो गया, अब झेला नहीं जा रहा है। इसके साथ रमजान के महीने की भी शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में हर किसी को फल दूध सब्जी जैसी तमाम चीजों की जरूरत और ज्यादा पड़ रही है। तो हाय तौबा जैसी स्थिति दिख रही है। देखिए आम जनता कितनी त्रस्त हो गई है। हम इस वक्त खड़े हैं जो कभी नगर में और यहाँ महंगाई की जितनी बात है आप घर से पूछते हैं, आप बताइए आपको क्या नाम है, क्या मानते हैं कितनी महंगाई की दौरा पर चल रहा है, कितनी महंगाई की चीज़ है, प्रदेश की जनता झेल रही है हर मामले में, डीजल को ले लीजिए, पिटाऊ को ले लीजिए, रसोई गैस को ले लीजिए, ये सब महंगाई की मार जनता झेल रही है। नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय है, इस समय फल और जो है दूध और हर चीज जो है महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन ये सरकार आज पर किसी प्रकार की महंगाई पर रोक लगाने में असफल साबित हुई है। ये सरकार कामयाब सरकार नहीं है। यहाँ पर ट्रेलर है जो अपने सबके लोग हैं जो जो है रोटी रोटी चला रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका और कितनी भी आपसे जानना चाहते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है, व्रत का समय चल रहा है, इस समय महंगाई की मार कितनी देखते हैं? कैसे रिजर्वेशन करते हैं यहाँ पे? रिजर्वेशन को मजबूरी में करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। तो लोग हैं अपना अपना मानना है लोगों का, तरह जो है दुकानदार से बात करते हैं, आइए 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 अरे बोल ना तू यहाँ महंगाई में। ये दुकानदार आइए वही दे लीजिए गिलास, बताइए भाई साहब आप बताइए कि नवरात्र में जो है महंगाई की कितनी बात तू बता करो। महंगाई की बात बहुत ज्यादा नहीं, महंगाई बात ठीक है, आप बताइए भाई साहब क्या बात है महंगाई की कितनी बात। अच्छा आए तब बतिया ले माए वजह साफ है और गरीब आदमी है, कैसे पढ़ाई और चलती तो नहीं, चलती तो नहीं है फिलहाल, का जी हमारे प्राइवेट जाता है लोगों को दिक्कत है। आप कैसे चलाते हैं आप लोग अपना खर्चा, ये बताइए इसमें कैसे चलाते हैं अपना खर्चा, खर्चा चल जाता है चलता है। तो अब जरा मैं फिर आपको श्रीलंका की सैर करा देती हूँ, क्योंकि श्रीलंका में भी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर है कि इमरजेंसी हो गई है और वहां पर दाने दाने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोलंबो में 13-13 घंटे के पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजों की भी भारी कमी हो गई है।
वहीं खाने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में महंगाई का आपातकाल कुछ इस तरह है। चीनी यहां पर 290 रुपए की मिल रही है, चावल 500 रुपए, एक कप चाय के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, ब्रेड का पैकेट 150 रुपए का मिल रहा है, दूध 1975 रुपए का मिल रहा है, वहीं LPG 4119 रुपए मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत यहां पर 254 है, डीजल 176 रुपए मिल रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में आपातकाल क्यों लागू हुआ? आखिर क्यों श्रीलंका में खाने पीने के साथ जरूरी चीजों की कमी हो गई है? श्रीलंका में आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़, लंबे पावर कट और ईंधन की कमी ने लोगों की दिक्कतें और बढ़ा दी। देश में बिगड़ते हालात देख राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू कर दिया है। महंगाई के आपातकाल के मायने जरा समझिए। श्रीलंका में महंगाई का आपातकाल बना हुआ है। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। दूसरा, COVID-19 महामारी पर्यटन सेक्टर ठप पड़ा है। तो वहीं तीसरा ये है कि विदेशी कर्ज बढ़कर $7 अरब हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से आर्थिक नुकसान हो रहा है। रासायनिक खेती बंद करना भारी पड़ा है। तो साफ है कि पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस बीच भारत की तरफ से 40,000 टन डीजल की खेप श्रीलंका की मदद के लिए भेजी है। तो श्रीलंका में आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्थिक संकट से बचने के लिए अब और अधिक संख्या में श्रीलंकाई लोग अवैध तरीके से भारत आ जाएंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे सोशल मीडिया का जमाना है और अपनी बात रखने का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी तो ये बना हुआ है। कुछ लोग अपनी बात सरकार तक इसी के जरिए पहुंचा रहे हैं। व्यसक तो वैसे कुछ बच्चे भी हैं जो महंगाई से त्रस्त है। जरा इस बच्चे को ही सुन लीजिए। आपने तो पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस ये तीनों में आपने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं और हमारे दीदी को देखिए आंदोलन कराते कराते उनका पैर दिल्ली में टूट गया है और आप इसको कुछ कम कीजिए वरना इस बार जनता ने तो आपके ऊपर भरोसा कर लिया है। 2024 में आपके ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, महंगाई अभी आगे बाकी है। यानी महंगाई डायन अब आपकी जेब पर डाका डाल रही है और ना जाने कब तक डाल सकती है। ऐसे में सोच समझ के खर्च कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप जरूरत का सामान मत खरीदिए, लेकिन जरा जेब पर भी ध्यान दे लीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।